हेलो एंड वेलकम टू SDCM। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर। स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम वर्किंग रूल देखने वाले हैं। यूज ऑफ जियोमेट्रिक मीन इन फाइंडिंग आउट रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथतर माध्य द्वारा वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका हम डिटेल में वर्किंग रूल समझने वाले हैं आज। स्टेप बाय स्टेप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग रूल देख लेते हैं इसका, इसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे इसका बेस क्लियर होगा और ठीक से समझ आएगा कि किस टाइप से हमें अप्लाई करना है इन फॉर्मूलाज को। देखिए, गुणोत्तर माध्य के द्वारा जनसंख्या वृद्धि दर तथा अन्य वृद्धि दरों को, जिनमें गुणोत्तर माध्य के द्वारा जनसंख्या वृद्धि दर तथा अन्य वृद्धि दरों को जिनमें ज्यामितीय दर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार की वृद्धि दर के सूत्र निम्न है। दो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं हमें, ये देखिए फॉर्मूला नंबर 1 और ये रहा हमारा फॉर्मूला नंबर 2। ये दो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं हमें जिस पर हम वर्क करेंगे। इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हम यूज ऑफ जियोमेट्रिक मीन इन फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ ग्रोथ, इन फॉर्मूलाज के थ्रू हम रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट कर सकते हैं जियोमेट्रिक मीन के थ्रू। तो देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले पहला वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, वो पी एन इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस आर रेस टू पावर एन, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। पी एन इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस आर रेस टू पावर एन। यहाँ से हम रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर रेट ऑफ ग्रोथ होगा, पी एन एंड पी नॉट क्या होगा ये भी हम देखेंगे आगे। ये देखिए रेट आर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमें एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, एंटी लॉग ऑफ, ये वाला फॉर्मूला देखिए, एंटी लॉग ऑफ लॉग पी एन माइनस लॉग पी नॉट अपॉन एन माइनस 1 × 100, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। इससे भी हम रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और फॉर्मूला दिया गया है, देखिए हमें ये देखिए एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, R is equals to अंडर रूट ऑफ पी एन अपॉन पी नॉट माइनस 1 × 100 और यहाँ पे आएगा n, स्मॉल n, जहां पे n क्या होगा वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ इयर्स, ये देखिए स्मॉल n नंबर ऑफ इयर्स होगा यहाँ पे, और पी एन निश्चित अवधि के पश्चात चर मूल, वेरिएबल एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड, ये दिया हुआ है, और पी नॉट अवधि के प्रारंभ में चर मूल, वेरिएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और आर यहाँ पे होगा प्रति इकाई वृद्धि दर, रेट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट, ये होगा आर। तो यहाँ से हम इन फॉर्मूलाज का यूज करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे आर होगा रेट ऑफ ग्रोथ, ये रेट ऑफ ग्रोथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलाज का यूज करके रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। हमें सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो दिया हुआ है, सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस आर रेस टू पावर एन, ये वाला फॉर्मूला है, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला दिया गया है, जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आर इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ लॉग एन माइनस लॉग पी नॉट अपॉन एन माइनस 1 × 100। एक और नेक्स्ट फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ये देखिए आर इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन पी नॉट माइनस 1, यहाँ पे एन आएगा 100 और n की वैल्यू होगी वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स होगा यहाँ पे हमारा स्मॉल n होगा नंबर ऑफ ईयर्स।
तो इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ ग्रोथ की। तो आई होप इसका वर्किंग रूल आपको समझ आया होगा, किस तरह से हम रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य द्वारा वृद्धि दर ज्ञात करना। तो किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसके थ्रू, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।